नमस्कार दोस्तों, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल स्मार्ट कार रिव्यू में। मेरा नाम है सौरभ, जहां आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियाज बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कार में कंपनी टाटा मोटर्स एक नई एसयूवी लाने की तैयारी में है, जिसका नाम पंच है। दोस्तों, ये एसयूवी यूनिक नाम के साथ साथ काफी ज्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि टाटा मोटर्स इस कार को एक अलग लुक देने वाला है, जिससे एडवेंचर के शौकीन लोगों को ये कार बेहद ही पसंद आने वाली है। क्योंकि इस कार में यूनिक नाम के साथ साथ यूनिक फीचर्स और सेफ्टी क्वालिटी भी टाटा मोटर्स ने काफी अच्छा दिया है, और सेफ्टी फीचर्स में टाटा की कार को कोई बुरा भी नहीं कह सकता। तो ऐसा क्या फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं टाटा की अपकमिंग एसयूवी पंच कार में, तो उसी के बारे में आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ताकि आपसे टाटा की अपकमिंग पंच एसयूवी कार से जुड़ी तमाम अपडेट आपसे मिस ना हो। और आपको ऐसी और भी तमाम स्मार्ट कार की रिव्यू चाहिए तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल स्मार्ट कार रिव्यू को। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना। तो दोस्तों, ये एक नॉर्मल कार नहीं होने वाली है, जिसको कहते हैं ना एकदम एसयूवी, फर्स्ट क्लास एसयूवी, यानी एकदम असली एसयूवी रहने वाली है। बिकॉज इस कार में लोगों के हर एक पसंद की चीज होने वाली है, और काफी ज्यादा अच्छे खासे रेट में इस एसयूवी को इंडियन मार्केट में उतारा जाएगा। यानी प्राइस में भी इस एसयूवी को काफी मिनिमम प्राइस में उतारा जाएगा, यानी कि इस एसयूवी को इंडियन मार्केट में 7 से 10 लाख रुपए के बीच के प्राइस में उतारा जाएगा। और इस एसयूवी को टाटा कंपनी ने काफी मस्कुलर एक स्पोर्टी लुक दिया है। तो इसी के साथ जो लोग अपने पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाना चाहते हैं, उनके लिए ये कार काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है। बिकॉज टाटा मोटर्स अपनी पंच एसयूवी को बेहतर क्वालिटी फीचर्स के साथ ऑफर करेगी, क्योंकि पंच एसयूवी के सेगमेंट में जो भी एसयूवी है वो अभी के टाइम में बेस्ट क्वालिटी के साथ इंडियन मार्केट में मौजूद है। तो इस बात को टाटा मोटर्स ध्यान में रखते हुए पंच एसयूवी को एक बढ़िया क्वालिटी और फीचर्स के साथ इंडियन मार्केट में लाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पंच एसयूवी की लुक्स और डिजाइन की। तो आने वाली पंच एसयूवी टाटा मोटर्स की एक माइक्रो एसयूवी की तरह डिजाइन दिया है, और लुक्स में इस एसयूवी को काफी ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी के साथ लैस किया गया है, जिससे ये कार काफी ज्यादा स्पोर्टी लुक में नजर आएगी। वहीं इसके एक्सटीरियर लुक्स में आपको फ्रंट में टाटा की लोगो के साथ एक नया ग्रिल देखने को मिलेगा, साथ ही आपको न्यू डिजाइन प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ नया DRL देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आपको बम्पर के साथ आपको हाई क्वालिटी फॉग लैंप देखने को मिलेंगे। रेयर में आपको नई टेल लाइट, ऊपर में आपको नॉर्मल एंटीना, रूफ रेल, स्किड प्लेट, फ्रंट एंड रियर में डुअल टोन और मोनटोन कलर की ऑप्शन, और टायर के साथ आपको R16 इंच तक की बिल्कुल नए डिजाइन की स्टील व्हील या एलॉय व्हील की ऑप्शन जैसे फीचर्स आपको इसके एक्सटीरियर लुक्स में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस एसयूवी कार टाटा की इस आने वाली पंच एसयूवी कार को इंडियन मार्केट में टाटा हैरियर का छोटा भाई भी कह सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल लुक टाटा हैरियर की तरह ही दिखने वाला है इस एसयूवी कार की। दोस्तों, वहीं अब बात कर लेते हैं इसके इंजन पावर की। तो टाटा मोटर्स की अपकमिंग पंच एसयूवी कार में आपको एक ही इंजन की ऑप्शन देखने को मिलेगी, जो कि 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन होगा, जो कि 86 PS के करीब पावर और 118 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और ये इंजन आपको 5 स्पीड की मैनुअल के साथ साथ AMT गियर बॉक्स की ऑप्शन में देखने को मिलेगी। दोस्तों, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि टाटा मोटर्स एक स्मॉल फैमिली को ध्यान में रखते हुए उनके बजट में इस एसयूवी कार को इंडियन मार्केट में पेश करेगी। दोस्तों, वहीं अब इसके इंटीरियर लुक की तरफ थोड़ा ध्यान दे तो इस एसयूवी कार को इंटीरियर को काफी ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर बनाया गया है। इसके इंटीरियर फ्रंट में आपको 7 इंच तक की इनपुट टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि कनेक्टिविटी और कन्वीनियंस के एडवांस फीचर को सपोर्ट करेगा। और साथ ही आपको इसके इंटीरियर में नए सॉफ्टवेयर डैशबोर्ड के साथ टाटा के लोगों के साथ एक नई स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलेगी, जो कि काफी खूबसूरत, और स्टेयरिंग में ही आपको पूरा कंट्रोल देखने को मिलेगा, यानी कि आपकी पूरा म्यूजिक कंट्रोल का सिस्टम स्टेयरिंग में ही देखने को मिल जाएगा। और साथ ही आपको इसके इंटीरियर में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एयर प्यूरिफायर, लार्ज डोर पॉकेट, ऑल पावर विंडो, ऑल सीट विथ हेडरेस्ट, लार्ज बूट स्पेस जैसे फीचर्स आपको इसके इंटीरियर लुक्स में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, वहीं यहाँ बात आती है इसके सुरक्षा कवच यानी सेफ्टी की। तो इसमें आपको टाटा मोटर्स की अपकमिंग पंच एसयूवी कार के सेफ्टी में आपको हाई स्टेनलेस स्टील बॉडी, डुअल फ्रंट एयरबैग, रिवर्स पार्किंग कैमरा। दोस्तों, रिवर्स पार्किंग कैमरा केवल टॉप वेरिएंट में ही देखने को मिलेगा,
कॉर्नर असेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक असेबिलिटी प्रोग्राम, ABS विथ EBD, फ्रंट डिस्क ब्रेक, सीट बेल्ट रिवाइंडर विद पेटेशनर, ट्यूबलेस टायर जैसे फीचर्स आपको इस SUV कार के सेफ्टी लुक्स में देखने को मिलेंगे। दोस्तों जो भी फीचर्स अभी तक हमने आपको बताए हैं वो सारे फीचर्स टॉप मॉडल में ही अवेलेबल होने वाले हैं। दोस्तों इस SUV कार को टाटा मोटर्स दिवाली के सीजन में 2021 में लॉन्च कर सकता है और इस SUV कार की प्राइस एक अनुमान के अनुसार 7 लाख से शुरू होकर 10 लाख तक की आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी। तो वहीं टाटा मोटर्स एक ऐसा ब्रांड है जिसके ऊपर इंडियन मार्केट में लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, बिकॉज इसके पीछे काफी सारा रीजन है। जैसे कि टाटा मोटर्स के इतिहास भी काफी सुंदर है। जैसे कि टाटा मोटर्स अपनी कंपनी को फोर्ड के पास बेचने गई थी तो फोर्ड कंपनी ने कुछ अपशब्द बोलकर टाटा मोटर्स की बेइज्जती कर दिया था, जिससे टाटा मोटर्स ने अपनी कंपनी को ना बेचकर उसके लिए खूब ज्यादा मेहनत किया और आज टाटा मोटर्स ने अपना नाम बना लिया है। तो टाटा मोटर्स ने हर क्लास के फैमिली को अभी तक ध्यान में रखते हुए अपनी कारों को लॉन्च करते आ रही है। जैसे कि टाटा मोटर्स ने एक बाइक पर 4 जनों की फैमिली को बाइक पे सवार देखा था, जिससे टाटा मोटर्स ने अपनी कार टाटा नैनो को कम से कम प्राइस में लॉन्च किया इंडियन मार्केट में। उसका रिस्पांस भी इंडियन मार्केट में काफी अच्छा रहा, लेकिन इस कार को अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और अब टाटा मोटर्स एक SUV कार को हैचबैक कार के प्राइस में टाटा पंच SUV को लॉन्च कर रही है। तो दोस्तों ये SUV इंडियन मार्केट में दिवाली के सीजन में लॉन्च किया जाएगा। तो अगर आप भी कोई SUV कार की प्लानिंग कर रहे हो तो ये SUV आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस SUV कार को इंडियन मार्केट में 7 से 10 लाख रुपए के प्राइस के बीच में लॉन्च किया जाएगा और इस SUV कार को इंडियन मार्केट में महिंद्रा की KUV100 जैसे शानदार कारों से कड़ी टक्कर होने वाली है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर इसी के साथ अगर आप स्मार्ट कार रिव्यू पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना।